नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कृष्ण ने दुर्योधन को अंत में बताया था उसकी हार का मुख्य कारण। भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी, वह खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की तीन उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज़ धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान तीन गलतियां की। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर होता। कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन तीन गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध के कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि वह अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की थी कि वो युद्ध में आखिर में जाने की भूल, यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच सकती थी। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुलवधू का वस्त्रहरण करवाना था। तुमने स्वयं तो अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन तीन गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।